अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत, मेरी मुराद कासिम अली शाह साहब का एक कीमती कौल सुनाने लगा हूँ। आप इसको ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा शाह साहब का फ़ैन हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी शाह साहब की बात हो मैं आगे इसको शेयर करूँ, इंशाअल्लाह आगे शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने शाह साहब से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह ताला कासिम अली शाह साहब को सलामत रखे। अल्लाह ताला जिस तरह शाह साहब खिदमत कर रहे हैं तो इसी तरह इस खिदमत का बदला अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाए और आखरत में भी अता फरमाए। शाह साहब फरमाया करते हैं, अब मैं शाह साहब का कौल सुनाने लगा हूँ। शाह साहब फरमाया करते हैं कि गरीब घर में पैदा होना, यानी गरीब पैदा होना, इसमें आपका कसूर नहीं है, इस बात पे आप कसूरवार नहीं हैं, बल्कि गरीब मरना, यानी गुर्बत की हालत में मरना, यानी कुछ ना करके मरना, यानी अपने लिए कुछ ना बना के मरना, ये बात, इस बात में आप कसूरवार हैं। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जब आपको ज़िंदगी दी, सब कुछ दिया, तो इसमें आप आखरत के लिए कुछ ना कुछ बनाएं और दुनिया में भी कुछ ना कुछ दुनिया के लिए भी बनाएं। अल्लाह ताला हम सब को शाह साहब की ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।